सो जय हिंद एवरीवन, दिस इज अंशु एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। क्या डिस्कस करने वाला हूँ पहले वो आप सभी को बता देता हूँ, फिर अपने मेन टॉपिक पे बढ़ते हैं। डेफिनेटली वीडियो अपने SRT जिसे आप सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट SRT जिसे बोलते हो, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जिसे एयरफोर्स 81 टेस्ट बोलते हैं। 81 टेस्ट मतलब समझते हो, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट का मतलब क्या होता है, जिसमें आपको SRT के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियोज़ आपको पहले भी प्रोवाइड करा रखे हैं, तो वही टेस्ट अपना यहाँ पे होने वाला है। तो डेफिनेटली आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और आपको उसके अपने अकॉर्डिंग आंसर करने होंगे। यहाँ तो बस अपना जो होता है प्रेडिक्शन बस बता देते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाला है, आप इन तक वॉच कर सकते हो। उससे पहले मैं आप सभी को एक बात बता देता हूँ, अनअकैडमी से रिलेटेड है। अनअकैडमी इंडिया का लीडिंग मतलब एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे इंडिया टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता ही होगी। सो उसके पहले बताने से पहले यहाँ पे आपको एक बात बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो 100 प्लस स्पेशल डेली लाइव क्लासेस होते हैं, SSB की प्रिपरेशन होती है, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस वगैरह होती है, ठीक है। तो आपके सारे सारे मतलब एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी स्टडी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे आप में से कोई भी प्लस लेना चाहता है तो डेफिनेटली अगर कोई 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन करता है तो 2 मंथ का उसको सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और भी बता देता हूँ, जैसे कोई 24 मंथ का करता है तो 4 मंथ का फ्री मिल जाता है। तो अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 2 मंथ का आपके लिए आई थिंक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे और भी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। टाइम टाइम से न्यू बैचेस आते रहते हैं, अभी अग्नि NDA सेकेंड बैच चल रहा है, उसके बाद अपना नेक्स्ट बैच अपना कौन सा आ जाती है, NDA सेकेंड बैच चल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ क्या आ जाती है, बाइक कैसे करना है। सो भाई देखो, ये अनअकैडमी का लर्निंग मतलब प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा, बस आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को ओपन कर लेना है। थोड़ा सा वो हो रहा है, ठीक है, टेंशन मत लेना, अपन फर्स्ट सेकंड टाइम है तो टेंशन ना लेना, जल्दी सब सही कर देंगे। सो यहाँ पे आके सेलेक्ट कर लेना होता है। टाइम जैसे ही सेलेक्ट करो देन नीचे यहाँ पे कोड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, इधर देखो। तो यहाँ पे कोड अपना डाल देना है ONLINED50, ठीक है, ONLINED50। इसे डालोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा तो बस आप अपनी पढ़ाई पे थोड़ा फोकस कर सकते हो और आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, केवल इसी पे जाके इसी जगह आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप अपना स्टार्ट कर सकते हो। अभी अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं और बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो आपको पता है कि मैं अपन GD के टॉपिक्स तो आपको करा ही रहा हूँ, 20 टॉपिक्स आपको करा चुका हूँ, लेकिन साथ में थोड़ा SRT की भी प्रैक्टिस करते चलते हैं, क्योंकि ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने आपको लगभग 5 से 6 सेशन प्रोवाइड करा चुका हूँ, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नीचे। और ऑलमोस्ट क्योंकि मैंने 50 क्वेश्चन आपको कराए हैं, इसका PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो उसका टेंशन मत लेना। एक सेकेंड गाइज, ये अपना सर का है, अभी सर एयरफोर्स पे हैं, तो उन्होंने मुझे बोला था कि भाई आप करा सकते हो, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। तो एक सेकंड रुक जाना, मैं अभी आपको जिस क्वेश्चन ऑलरेडी मैं कुछ करा चुका हूँ ना, 50 तक हो चुके हैं अपन, ठीक है, ओके। अभी यहाँ से करते हैं 49 से, फिफ्टी वन से करेंगे क्योंकि कर चुके हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 51 नंबर क्वेश्चन है और आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर करना है। ये मत सोचना कि मैं जो बता रहा हूँ आपको उसका आंसर करना है, आपको जो बेस्ट लगे आप उसका आंसर बता सकते हो। क्वेश्चन 59 है और एक चीज़ और यहाँ पे मैटर करने वाली है, ठीक है। आप इस चीज़ पे यहाँ पे फोकस रखना कि आपको केवल इंग्लिश लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान देना है, हिंदी पे नहीं, कि हिंदी पे जो बता रहे वो भाई पढ़ो, इंग्लिश वाला है। यू हैव बीन इन्वाइटेड टू अ सोशल गेट टुगेदर विल यू, आपको सामाजिक मिलन के लिए आमंत्रित किया गया है। मतलब कि कुछ मान लो जैसे कोई प्रदर्शनी लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं काफ़ी, ठीक है, एक्सिबिशन टाइप में, और आपको आमंत्रित किया गया है, ठीक है, एक समय, और आप क्या करने वाले हो वहाँ पे, ये पूछा गया। तो डेफिनेटली आपको इसका आंसर यहाँ पे करना है। तो कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उसे चलो हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक सामाजिक दायित्व को पूरा करने के लिए वहां पे जाओगे कि चलो चलते हैं। आपको देखो क्वेश्चन ज्यादा नहीं करना भाई, क्वेश्चन एक लिमिट में करना होता है। बस सिंपल सी चीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप अपने अकॉर्डिंग बस इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सेम टू सेम। टेंशन मत लेना कि भाई बहुत ज्यादा क्वेश्चन करा दो, 500 क्वेश्चन करा दो, 1000 क्वेश्चन करा दो, इससे कुछ मतलब नहीं, एक लिमिट में क्वेश्चन कर लो, काम हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आपको सामाजिक मिलन के लिए आमंत्रित किया गया, अब आपको कहीं पर इन्वाइट किया गया तो आपका क्या प्लान है, ये तो आपको पता ही होगा कि आपका क्या प्लान है। तो सिंपल से वही अपने को यहाँ पे बताना है। एक सामाजिक दायित्व को पूरा करने के लिए वहां पे जाओगे कि चलो भाई चलते हैं, फॉर्मेलिटी तो कर ही देते हैं कि हाँ हम आए थे ऐसा ऐसा, तो ये चीज करने के लिए वहां पे जाओगे।
अपने आप का आनंद लेने के लिए दृश्य के साथ जाओगे कि गो विद आई व्यू टू इंजॉय योर सेल्फ, बाय चलते हैं मनोरंजन करेंगे, बिल्कुल अलग ही मजा आएगा। मिलने से जाने से बचेंगे, हम नहीं जाएंगे, सिंपल सी बात भाई, हमें वहाँ पे नहीं जाना, हमें कोई ऐसी दिक्कत लेने वाली कब बात ही नहीं है, मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा, सिंपल से बस यहाँ पे काम खत्म। वहाँ नहीं जाने के लिए बहाने की पेशकश, बहाना बनाओगे कि भाई नहीं जाना यार मुझे बीमार हूँ ये, तो आपको बुलाया गया किसी जगह पे यार, ठीक है, तो आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे तो देखो सबके अपने अपने रीजन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक आपसे एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, सामाजिक मिलन के लिए मान लो कहीं पर मंत्रणा लगी थी, कहीं पर मीटिंग थी, तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए, तो एक सामाजिक दायित्व को पूरा करने के लिए वहाँ पर जाना चाहिए था। मेरे अकॉर्डिंग ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अपने आप का आनंद लेने के लिए दृश्य के साथ जाओ, ये भी कर सकते हो, लेकिन ये मुझे ज़्यादा बेटर नहीं लगता, ए वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। सो यहाँ राइट आंसर आपको कौन सा कर देना है, ए नंबर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पे बी पे क्लिक था, कोई दिक्कत नहीं है, उसे छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपके एक चचेरे भाई ने तुम्हें अपनी शादी के पार्टी के साथ जाने के लिए आमंत्रित करने के लिए छोड़ दिया है, वह शायद कुछ भूल गया हो कि आप कैसे करेंगे। चलो अभी अभी ये वाला कुछ गलत लिखा हुआ, मैं इंग्लिश वाला आपको बताता हूँ पढ़ के। वन ऑफ योर कजिन हैज ओमिटेड टू इनवाइट यू टू कंपनी हिज मैरिज पार्टी, ही माइट हैव फॉरगॉटन समहाउ, विल यू, ये वाला भूल जाओ, हिंदी में क्या लिखा हुआ आप इंग्लिश वाला ध्यान दो, मैं आपको बता रहा हूँ। आपके मान लो चचेरे भाई के शादी थी और उसने आपको इन्वाइट करना मान लो धोखे से भूल गया, ठीक है, बाई मिस्टेक भूल गया, ही माइट हैव फॉरगॉटन सम, आपको कुछ लोगों को भूल गया, तो आप कैसे, आपका क्या रिएक्शन होगा वहां पे, ये आपसे सिचुएशन है, ठीक है। एक सेकंड गाइस रुकना, ओके, बस पूरे मामले की अनदेखी करोगे, आपको कुछ नहीं मतलब है, आप अनदेखा कर दोगे कि भाई मुझे नहीं मतलब, ठीक है मुझे नहीं इनवाइट किया, चलो कोई बात नहीं, हम भी देख लेंगे, हमारी भी जब शादी होगी या हमारी शादी हो चुकी है, हमें नहीं मतलब, मैं भी उन्हें नहीं बुलाऊंगा, ये वाली अगर मेंटेलिटी है तो अच्छी बात है, ठीक है। सबके अपने अपने व्यूज होते हैं, कोई दिक्कत लेने का सीन नहीं है। अगला, उसे अपनी शुभकामनाएं भेजोगे कि कोई बात नहीं यार इन्वाइट नहीं किया तो कोई बात नहीं, अपन तो चलो कोई बात नहीं। अगला, शादी के पार्टी में सभी के साथ शामिल हो, उसके खिलाफ रहो। देखो यहाँ पे मैं बता दूँ, दो ऑप्शन तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये वाले करने चाहिए, जैसे कि उसके खिलाफ चले जाओ या उसे अनदेखा करो, ठीक है, क्योंकि आप वहाँ पे आइए, वैसे आप कर सकते हो लेकिन आइए आपका टेस्ट दे रहे हो तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। या तो आप बी नंबर ऑप्शन पे क्लिक कर दो कि आप उसे अपनी शुभकामनाएं भेजोगे कि भाई मैं तो आ रहा हूँ आपका बर्थडे, मतलब आपकी शादी, मतलब बी नंबर परफेक्ट हो जाएगा कि शुभकामनाएं भेज दोगे विशेष आपको कि भाई हैप्पी मैरिज लाइफ वगैरह वगैरह जो भी भेजते हो, हैप्पी बर्थडे भाई ऐसे बोलते होगे ना कुछ, तो या तो ये वाला सीन कर दोगे या सिंपल सा बता दोगे कि चलो कोई बात नहीं यार इनवाइट नहीं किया, भाई ही तो है चलते हैं पार्टी में, ठीक है, या फिर दोस्त ही है ऐसे तो चलते हैं पार्टी में, तो ये वाला भी राइट हो जाएगा। तो बी सी आपको जो भी करना हो टोटली इट्स योर कॉल, या तो बी कर दो या तो सी कर दो, आपको कौन सा राइट लगता है वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बट मुझे लगता है कि मैं तो सी वाला करूंगा, वो भूल गया यार, और अगर आपके अंदर ईगो है तो फिर मत जाओ, नहीं तो मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि आपको जाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप इंग्लिश वाला सीधा पढ़ते हैं। यू आर सिटिंग अमंग फ्रेंड्स एंड आर्ग्यूमेंट्स इरप्ट्स, यू नो टू दैट यू आर राइट बट सम अदर्स आर पुटिंग फोर्थ द सेम पॉइंट ऑफ व्यू एग्रेसिवली विल यू। अब इसका मैं आंसर बताता हूँ, मान लो एक चर्चा हो रही, ये चार दोस्त बैठे हैं, ठीक है, ये आप हो, ये मैं हूँ, मैं भी आपका दोस्त ही हूँ, ये एक आपका दोस्त है आपके घर वो कोचिंग वाला, और ये ऐसे ही मनोरंजन वाला, चार दोस्त अपन बैठे हैं यहाँ पे, और आपको ये पता है कि ये वाली बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे ये वाला बंदा है ना, ये वाला, इसको एक अलग ही चुल मची है, मतलब कि भाई मेरी बात बिल्कुल सही है, मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये वाले बंदे की अब बिल्कुल आक्रामक होता जा रहा है कि अगर ये वाला नहीं माना तो मार देगा इसे, ऐसी वाली ये वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके नहीं बताना, आप अपना बता सकते हो, मुझे कोई दिक्कत देने का सीन नहीं है। आप अब क्या आगे होने वाला ये, आप अपने मामले को चुपचाप दलील देना, मतलब आप अपनी दलील चालू रखोगे कि नहीं भाई तुम गलत हो मैं सही हूँ, ये आप चालू रखोगे, या फिर बराबर उत्साह के साथ बहस, अपने मामले को चुपचाप दलील देना, ठीक है, मतलब धीरे से सुनोगे प्लीज योर केस क्वाइटली, और बराबर उत्साह के साथ बहस, मतलब लड़ाई चालू रहेगी, अगर ये बंदा अगर फाइटर है भाई, अगर तुम फाइटर हो तो वो बोलेगा मैं भी कम नहीं तुमसे, चलो हो जाता है बराबर बराबर का, ठीक है। या फिर लैप्स इनटू अ सैलून सेंस, ये वाला तो हटा ही देते हैं, सभा छोड़ दोगे कि भाई मुझे आपसे बात ही नहीं करनी यार, या तो आप अपने दोस्तों के साथ में गिव अप कर दो, अरे यार भाई हटाओ, तो आपके ऊपर टोटली इट्स योर कॉल, आप अपने मामले को चुपचाप अपनी बातें बोलोगे कि हाँ भाई ये सही है, क्योंकि ये दो जो बगल में बैठे हैं ना, ये वाले भाई, एक ये दूसरा बंदा और ये तीसरा, ये नहीं समझ में आएगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना, तो ये तो समझेंगे ना, तो आपको टोटली इन्हीं पे ध्यान देना है, ठीक है। जरूरी नहीं कि सब चीज़ें, मतलब सब कुछ वैसा ही हो जाता है, तो बस ये सारी सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर करती हैं, तो इसे चलो हटा देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं।
तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? मुझे लगता है ऑप्शन ए पे अपन को जाना चाहिए, बाकी आपकी कॉल हो सकती है, यहाँ पे भी ए नंबर पे दे रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर, एक सुज्ञात संगठन ने आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले, चलो इसे हटा देते हैं यहाँ पे, 55 चलते हैं। क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कि आप एक पुरानी सहपाठी से मिलते हैं जो कि आखिर में उसके मिलने के बाद में व्यवसाय में बहुत सफल रहा है, ठीक है। यहां पे बात क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा भाई दिक्कत हो जाता है अभी, क्योंकि अपन ये अभी तो किया नहीं, ये अपना दूसरा वीडियो इस पे, और पहला वीडियो ऑलरेडी मैंने किया था, जीडी से रिलेटेड था, तो धीरे धीरे सीख रहा है, आप टेंशन मत लेना। अब एक मान लो एक सिचुएशन है, आपका दोस्त है आपसे मिलता है, ठीक है, आप ये हो, आपका दोस्त है, पहले आप मिले थे इससे 6 महीने पहले, तो दोनों लोग अमीर थे, ठीक है, लेकिन फिर से 6 महीने बाद मिलते हो, तो आप ये हो और ये भाई ये है, अब आप क्या फील करोगे? यहाँ पे ये क्वेश्चन पे पूछा है। उतनी ही सफल होने के कारण नरक की भावना से पीड़ित, भाई मैं इतना सफल नहीं हो पाया तो भाई अब तो मैं नहीं रह सकता, ऐसी वाली फीलिंग आपके दिमाग में आएगी। ऑप्शन ए पे ये दिया हुआ है, और ऑप्शन बी पे दिया हुआ है कि जो है आपके पास उसमें खुश हो कि ठीक है भाई इसने मेहनत की है, बंदा आगे, अच्छी बात है। और संकोच महसूस करोगे कि यार, सी नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि संकोच महसूस करोगे कि भाई ये कैसे हो गया, ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ये वाली चीज़। या फिर डी नंबर की पुराने के रूप में उसे मान कि भाई वो बंदा, भाई वो पहले से मेहनत कर रहा है यार, तो वो फिर पक्की बात है वो आगे होगा, ये वाली सोच आपके ऊपर, ये वाली मेंटेलिटी। क्या आपका राइट आंसर हो सकता है वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में चाहिए, ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। इसका वैसे मैं बता दूं ऑप्शन बी ही राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको लिखा भी, और बी नंबर राइट होगा कि आपको अपने ऊपर भाग पे खुश होना चाहिए, दूसरे का क्या हो? उसने मेहनत की होगी तभी वो आगे, या फिर कुछ भी उसने किया हो, आप पूछ सकते हो उससे भाई कि कैसे आगे हुआ, लेकिन ये वाली बात यहाँ पे खत्म हो जाती है कि भाई मतलब उससे जलोगे या फिर उससे कुछ भी करोगे कि भाई बात नहीं करूंगा, तुम इससे इतने अमीर कैसे बन सकते हो, ये वाली मेंटेलिटी तो बिल्कुल गड़बड़ी यहाँ पे निकल के आ जाती है, तो अपने को इस चीज़ पे भी ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, ठीक है। 55 का 56 नंबर, योर एल्डर ब्रदर्स फ्रेंड कम टू हिम बट योर ब्रदर इज नॉट एट होम, ठीक है, कम्स टू सी हिम, ओके, आपका आपके बड़े भाई के मित्र आते हैं आपके बड़े भाई से मिलने, ठीक है, बट वो घर पे तो है नहीं, तो आप फिर क्या करने वाले हो, यहाँ पे ये पूछा गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। नॉट एट होम, यू आस्क द फ्रेंड टू वेट फॉर द सेम थिंग ड्यूरिंग दिस इंटरवल, विल यू, अब आपका भैया मतलब दोस्त आते हैं भैया के, तो आप क्या करने वाले हो भैया, जबकि आपके भाई तो है नहीं, मान लो जैसे आपके आपके बड़े भैया ये हैं, आप ये हैं, और हम मान लो ये आपके भैया के दोस्त हैं, हम आते हैं इनसे मिलने, तो आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे सिंपल से ये पूछा गया है। चलो अब यहाँ पे इसे क्लियर कर देते हैं कि भाई उन क्या करने वाले हैं, सिंपल सी बात है यार, उनके साथ बैठो, बातचीत करो, बातचीत में शामिल करें, मतलब उनके साथ बैठोगे, बातचीत करोगे, शामिल उनसे बात हाल चाल और भी क्या हो रहा है, क्या कैसी क्या मतलब चल रही है, सब कुछ यही वाली बात, ठीक है। बस उसे अकेला छोड़ दो, क्योंकि भाई बैठो, जब भैया आ जाएंगे तो देखना मुझे है काम, मुझे पढ़ाई लिखाई करनी है, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे आप करने वाले हो, तो ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप क्या करने वाले हो। उसके कुछ किताबें या पत्रिकाएं पढ़िए, मतलब उन्हें भी देते हो, खुद भी ले लें, भाई पढ़ते हैं दोनों। उसे जाने के लिए कहें कि भाई नहीं है अभी, जाइए यहाँ से, ठीक है, शाम को जब भैया आ जाएंगे घर पे तब आना, तब बात करेंगे, अभी हमें कुछ नहीं पता, प्लीज़ आप सर या भैया आप जाइए यहाँ से, जब भाई आ जाएंगे तेन आप मिलते हैं आपसे, तो ये वाली सिचुएशन भी हो सकती है। तो क्या होता है यहाँ पे, मुझे लगता है कि मोस्टली जो सभी लोग करते हैं ए नंबर करते हैं कि उनके साथ बैठो और मतलब इंजॉय ना करो, तो या फिर बी नंबर, बी नहीं सही होगा कि उन्हें अकेला छोड़ दो, क्या मे भी आपका एग्ज़ाम है, तो आप ये वाला कर सकते हो, बी वाला भी कर सकते हो, तो लेकिन यहाँ पे उनको सर को तो पता नहीं, जी डी एयरफोर्स का यहाँ पे SRT टेस्ट चल रहा है, तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग सी वाला भी अप कर सकते हो, लेकिन ए परफेक्ट होगा, ए सबसे ज़्यादा चांसेस है कि ए पे ज़्यादातर कैंडिडेट को राइट आंसर करना चाहिए, और ए ही मेरे अकॉर्डिंग राइट भी होने वाला है, तो डेफिनेटली आप सभी को ए पे क्लिक करना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 57 क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देखो आपको सी नंबर दिख रहा होगा पहले से क्लिक, इसके चक्कर में मत पढ़ना कि यार सी नंबर यहाँ पे अंशु ने क्लिक कर रखा है तो सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसके चक्कर में मत पढ़ना, ठीक है, कि सी पे राइट लगा दो यहाँ पे, ये तो बस ऐसे ही है, ही स्विमिंग इन द विलेज पॉन्ड, द बफेलोज आर आल्सो इन द पॉन्ड, ही सडनली फील क्रैम्प इन हिज लेग, वह गाँव के तालाब में तैर रहा, उसी तालाब में भैंस भी आती, वह अचानक उसके पैर में ऐंठन महसूस करता है, वह क्या करेगा, वह पास के ग्रामीणों के
ग्रामीणों से मदद मांगेगा, मतलब उसे ऐसा लगता है कि भाई पैरों में कुछ गड़बड़ है। हाँ, तो ऐसा नंबर नंबर एक यहाँ पे ऑप्शन में पास में जो भी दिखेगा ऑप्शन ए पे बोलेगा कि भाई बचाओ बचाओ जो भी है मदद, वो कछुआ वाली कहानी, कछुआ वाली नहीं बचपन वाली कहानी एक सुनी होगी आपने ऐसा। उसके बाद तैराकी जारी रखेगा और तालाब से बाहर आ जाएगा। जब तैरना जानते हो गए तभी तो तैराकी मतलब जारी रखेगा और तालाब से बाहर आ जाएगा। वो अपने अपने पास भैंस की पूंछ पकड़ लेगा और किनारे आ जाएगा। ये तो एक अपना अलग ही सिस्टम है, यहाँ पे सी पे तो मत जाना यार, ठीक है। अगला, वो पास के पेड़ की शाखा की खोज करेगा और इसे पकड़कर तालाब से बाहर आ जाएगा। चलो, इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, कि मैं बता दूं आपको रियली में यहाँ पे मुझे चारों के चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं। मतलब पानी में कोई तैर रहा था, तालाब में तैर रहा था और तालाब में भैंस भी आती, उसी तालाब में भैंस भी आती हैं, अचानक उसके पैर में ऐंठन महसूस करता है, मतलब कुछ उसे गड़बड़ लगता है। भाई तालाब में क्या मतलब भैंस वो बाहर निकलने वाली थी, बफेलो जो थी क्या जस्ट बाहर जाने वाली थी, जो आप पूंछ पकड़ के बाहर लटक जाओगे कि नहीं चलो ये भैंस है और हम इसके पैर पूंछ पकड़ के लटक जाते हैं और ये सीधा तैर तैर के ऐसे बाहर आ जाएगी, कुछ ऐसा सीन तो होने वाला नहीं है। तो सिंपल सी ये चीज़ यहाँ पे मैटर करती है। तो ये चीज़ यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। 57 का नेक्स्ट क्वेश्चन कर पड़ता है 58 की ओर। He was walking on the road. A barking dog come running towards him. He would. भाई रास्ते पे जा रहे थे, ये तो सबके साथ में मोस्टली होता है। अचानक से ये कुत्ता आया, ये कुत्ता आया, रुकना एक सेकंड, कुत्ता बनाने की कोशिश करते हैं, भूल गया भाई, कुत्ता बचपन पे बनाते थे कैसे ऐसे, एक सेकंड रुकना, बन गया कुत्ता, सही, सच में बढ़िया कुत्ता है। ठीक है, एक कुत्ता मान लो कुछ, और ये यहाँ पे ठीक है रास्ते पे जा रहे थे, अचानक यहाँ पे आपको होता क्या है कि यहाँ पे आपको क्या वो सड़क पर चला था, भौंकने वाला कुत्ता उसकी ओर चला, आपकी ओर ये आ रहा है, तो आपका रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा, ये सिंपल सी चीज पूछी हुई है, तो आपका रिएक्शन क्या होने वाला है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो सिंपल सा चलो डिस्कस कर लेते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं, यहाँ पे ऑप्शन पे देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड। वह सड़क पर चल रहा, हाँ ठीक है, वह वाहन से चला ले जाएगा, मतलब ही वुड टेक लीव फ्रॉम पासिंग बाई व्हीकल, देखेगा कि भाई गाड़ी से निकल लेते हैं, फोर व्हीलर आ रहा है उसमें हाथ देके निकल लेते हैं, मोटरसाइकिल आ रहा है, टू व्हीलर आ रहा है, मोटर हाथ देते हैं, सर 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 प्लीज सर कुत्ता जा रहा है सर प्लीज निकाल दो सर, ये वाली चीज कर लेते हैं, तो ये भी हो सकता है। और अगला, वह पत्थर फेंकने से कुत्ते को धमकी देगा कि भाई मेरे पास है ईंटा ईंट है और आप मेरे पास मत आइए, अदरवाइज फिर तो दिक्कत हो जाएगा आपको भी और मुझे तो, हो सकता है ना, मैं मुझे तो पहले से ही है तभी तो मैंने ईंट उठाई है। बी सी नंबर है यहाँ पे, वह अपने घर की ओर चलना शुरू कर देगा कि चलो जो होगा देखा जाएगा चलते हैं। अगले, वह कुत्ते को नज़रअंदाज कर देगा क्योंकि ये आम बात है कि दूसरे कुत्ते के बाद चला जाएगा, ये बात तो नहीं हो सकती क्योंकि कुत्ता वहाँ सड़क पर जाए, कुत्ता भौंकने वाला कुत्ता उसकी ओर चला आ रहा है, ये वाली बात तो यहाँ पे सही नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है, मोस्टली जो जनरली लोग करते हैं उठाते हैं ईंटा, ठीक है, ईंट उठा लेते हैं कि आओ भाई देखेंगे, मतलब या फिर कुछ तो ऐसे करते हैं कि दूर से ही भाग लेते हैं कि यार कुत्ता है चलो भाग लेते हैं, वह वहां से हम जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, पीछे गाड़ी जब आएगी तभी हम चले जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है मुझे अपना आराम से जाएंगे, तो ये वाला ऑप्शन भी राइट हो सकता है। तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप कौन सा आंसर करोगे, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे ये वाला करना चाहिए, कौन सा ऑप्शन बी, मोस्टली लोग यही करेंगे कि जनरल सी यही कॉल होती है कि घर जा रहे हो या रास्ते पर कुत्ता मिल गया तो अचानक से देख लेंगे आप, मैं भी कुत्ता नहीं जानते और भौंकता आ रहा है तो फिर आप पीछे भागोगे, इसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन के आ रही है। तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा आंसर करोगे, क्योंकि SRT मेरे बताने से नहीं, आपको SRT टेस्ट देना होता है और आपकी कॉल होती है। अब आप सपेरे जैसे आपके पापा सांप पकड़ते हैं, अब मेरे सामने सांप आ जाएगा अचानक से तो मैं क्या करूंगा, मैं तो भागूंगा, और आप अगर सांप पकड़ने वाले आपके पापा सांप हैं तो डेफिनेटली एक सांप पकड़ने वाले हैं तो भाई आप भी सोचते होगे कि चलो मैं भी पकड़ लेता हूँ, पापा खुश होंगे, तो आप तो सांप को पकड़ने की कोशिश करोगे ना, सिंपल सी बात आती है। हम क्या होंगे, नॉर्मल जो हम लोग हैं वो यहाँ से क्या होंगे, भागेंगे 3, 9, 2, 11, फिर बाद में चाहे ईंटा उठा के मारे हो फिर चाहे जो भी करें, तो ये चीजें यहाँ पे कॉमन सी हो जाती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 59 नंबर क्या है, उसे पता चला कि उसका एक दोस्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। He came to know that one of his friends had been arrested by the police. He would. वो क्या करेगा भाई, उसका एक मान लो आप हो और ये आपका दोस्त है, आपको पता चला कि आपके दोस्त को पुलिस ने पकड़ लिया, आप क्या करोगे। आपके सामने मैं चार सिचुएशन दे रहा हूँ, पुलिस को रिश्वत देते हैं उनसे मित्र को छोड़ने के लिए, कहेंगे सर सर ये सर 1000 सर इतना ही है सर प्लीज सर छोड़ दीजिए, ये वाली चीज़ करोगे। अगला नंबर, वह स्थानीय राजनीतिज्ञ के पास और अपने दोस्तों की मदद के लिए
चाचा मैं विधायक है, ऐसी वाली सिचुएशन करोगे कि चलो भाई चाचा को फ़ोन कर देता हूँ और वो मदद करेंगे, तो ये वाली चीज़ कर देते हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वी वुड गो टू द पुलिस एंड इंक्वायर द मैटर एंड गेट हिम बेल आउट। ये यहाँ पे तो बस समझदार लोग सभी इसी को मार देंगे कि हम जेल जाएंगे और पता करेंगे भाई बात क्या है, किस वजह से जेल पे पकड़े हो, ये तो पहले बात करेंगे और फिर बेल में छुड़ा लेंगे हाँ उन्हें वहाँ से। आप इस मामले की अनदेखी करेंगे क्योंकि उन्हें पुलिस पर विश्वास है। भाई पुलिस वाले पकड़ के ले गए हैं तो फिर अच्छी बात पे ही ले गए होंगे, किसी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया होगा तभी लेके गए, ऐसी वाली भी सिचुएशन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कुछ ऐसी भी घटना हो सकती है, तो ये टोटली आपकी कॉल है। बट मैं यहाँ पे ऑप्शन सी पे जाना चाहूँगा और सी मुझे राइट भी लगता है, सो डेफिनेटली ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक सेकेंड इसे क्लियर कर देते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। 50/60 नंबर, ठीक है 60 क्या है, कलर चेंज कर लेते हैं एक सेकंड का, ही वॉज गोइंग ऑन अ स्कूटर, अ पर्सन वॉज लेइंग अनकॉन्सियस एंड अनअटैच्ड ऑन द रोड ही वुड। वह एक स्कूटर पर जा रहा था, एक व्यक्ति बेहोश पड़ा हुआ था, वह सड़क पर अनजाने पड़ा हुआ था, जो हुआ करेगा, मतलब वह स्कूटर से ऐसे ऐसे जा रहा था, अचानक से उसने देखा कि एक व्यक्ति है वो रोड पे लेटा हुआ है, यहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ है, तो उसका क्या रिएक्शन हुआ, सिंपल सी बात यहाँ पे पूछिए। वह उसे प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद एम्बुलेंस को फोन करेगा, ही वुड कॉल द एम्बुलेंस आफ्टर गिविंग हिम फर्स्ट एड, मतलब पहले दवा करेगा उसके बाद एम्बुलेंस को फोन करेगा, और वी वुड आस्क हेल्प फॉर एनी पासिंग बाई कार टू टेक हिम हॉस्पिटल, मतलब कोई कार यहाँ से बगल से जा रही होगी उनसे मदद मांगेगी सर प्लीज इसे हॉस्पिटल ले चलो। अगला और वुड इग्नोर, ये वाले बात ऑप्शन ही नहीं पढ़ूंगा, ऐसा मत करना कोई भी यार, ठीक है बस वो वाइन वगैरह मत पिए, पड़ा हो कि पता लगा आप रोकते हो गाड़ी यहाँ पे आप उसकी मदद के लिए और पता लगा बोतल ये पड़ा था आपकी सर पे पटक दी और आपका आपकी गाड़ी लेके भाग गया, तो ऐसी वाली भी सिचुएशन देख के समझ के, ठीक है वो प्राथमिक चिकित्सा देगा और पुलिस को सूचित करेगा। यहाँ पे तीन ऑप्शन मुझे सही लग रहे हैं, ऑप्शन सी तो बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया, बाकी ए बी और डी ये तीनों के तीनों मुझे परफेक्ट लग रहे हैं। तो आप मेरे अकॉर्डिंग आप उसे अस्पताल ले जाने के लिए कार वाले स्कूटर पर जा रहे थे तो आपको कार वाले से मदद मांगना भी सही होगा, शायद वो आपकी हेल्प कर दे, तो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भाई आप डॉक्टर होगे तभी तो एम्बुलेंस मतलब पहले करोगे या फिर डायरेक्ट आप एम्बुलेंस को कॉल कर दोगे, ये वाली भी चीज़ आ जाती है कि चलो भाई 112 मिला देते हैं, 108 102 मिला देते हैं कि सीधा एम्बुलेंस आ जाएगा, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करने वाले हो। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए या फिर कौन सा बी, दोनों में से जो भी राइट करना चाहो कर सकते हो, या फिर ऑप्शन डी भी कर सकते हो कि भाई कोई बेहोश पड़ा हुआ है तो किसी न किसी रीजन से तो होगा ही, तो ये बात पे बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 61। ही वॉज कैप्टन ऑफ द कॉलेज हॉकी टीम लास्ट ईयर बट ड्यू टू सम डिफरेंस विद द केस ही वॉज नॉट सेलेक्टेड इन द टीम इन द टीम लेवल ही वुड। वो पिछले साल कॉलेज हॉकी टीम का कप्तान था लेकिन कारण कुछ कारण बस ठीक है उन्हें टीम स्तर में नहीं चुना गया था, कुछ ना कुछ रीजन होंगे, मान लो पहले सर थे टीम के कैप्टन, क्या थे टीम के कैप्टन, लेकिन कुछ ऐसे रीजन हुए जिनकी वजह से उनको मतलब चुना नहीं गया, चूज नहीं किया गया, ठीक है अब क्या ऑप्शन है, अब मतलब क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है यहाँ पे पूछा गया है, तो चलो यहाँ पे ऑप्शन पढ़ते हैं। नंबर ए यहाँ पे दिया हुआ है एक सेकेंड कि मामले को प्रिंसिपल के ध्यान में लाना और निर्णय के लिए प्रतीक्षा करना, कि चलो प्रिंसिपल को हम याद दिला देते हैं कि सर हमारी वजह से टीम जीती थी, मैं था कप्तान, ठीक है अब आज से एक साल बाद बोलो कि विराट कोहली को कि भाई आप कप्तानी से हट जाओ, रोहित शर्मा कप्तानी करने लगे और फिर तो पूछेगा ना कि किस वजह से मुझे हटाया, ठीक है आप एक समूह बनाते हैं कोच के खिलाफ विरोध करना, आप भाई बनेगी मंडली आधी आधी टीम, ये वाली बात, तो ये वाली बात भी यहाँ पे राइट हो सकती है, बी नंबर आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं तो ये नहीं क्लिक करूंगा। पार्टी के लिए अपने कोच के साथ जाएंगे और इस मामले को हल करेंगे, गो फॉर पार्टी विथ हिज कोच, मतलब कि टीम के लिए, मान लो पार्टी नहीं टीम के लिए जाओगे कोच के साथ और मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे, आप अन्य चयनित खिलाड़ियों को कोच खरीद ले कहोगे, तो ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल एलिमिनेट कर देना है, इसका कोई यहाँ पे फंडा नहीं बन के आता कि ये वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन डी भी यहाँ पे राइट रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है तो आप अपने अकॉर्डिंग राइट आंसर कर सकते हो, मैं यहाँ पे आपको मतलब बता देता हूँ कि कौन सा राइट होगा। ऑप्शन नंबर मुझे लगता है ए या फिर सी कि कोच हैं जो कोच हैं उनके साथ में जाओ और मामले को सॉर्ट आउट करने की फुल कोशिश करो जल्दी से जल्दी, तो ये वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं, 62।
और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ में थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ये करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। जो मैं ये करा रहा हूँ इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी फ़ोन वाली स्क्रीन पे उस पर टाइम नहीं लगता, वो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। लो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या, वो पिछले साल हॉकी टीम के कप्तान थे, टीम के प्रभारी ने अपनी टीम, ये तो मैं कर चुका हूँ ना, कप्तान बनाया था कॉर्पोरेट टीम, चलो ये वाला क्वेश्चन इसी टाइप का किया है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आपसे मैं पूछ लेता हूँ, इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, आप वन ऑफ हिज नाइबर इज हैबिचुअल ड्रिंकर, आपका मतलब एक जो पड़ोसी है ना, बिल्कुल हाँ बिल्कुल धुआंधार टाइप का ड्रिंकर है, खूब पीता है दारू, एक्सेंड एंड मेक्स नॉइस एट नाइट एंड डिस्टर्ब हिज स्टडी ही विल, मतलब कि उसकी पढ़ाई को भी डिस्टर्ब करता है, और आप पढ़ने लिखने वाले हो भाई, सिंपल से मान लो आप कहीं पे रूम लेके रहते हो, अब आपको कोई परेशान करता है, मान लो आपको कोई लोकेलिटी वाला है, कोई नाइबर है, तो आपको नाइबर है NEIGHBOUR, ठीक है, तो आप डिस्टर्ब करते हैं और दूसरों को भी, तो आपका क्या प्लान होगा। ही विल पुट अ हेडफोन वाइल प्लेइंग सॉन्ग इन द फोन एंड विल कंटिन्यू हिज स्टडी, अपने मतलब हेड में लगा लेगा हेडफोन और चलो पढ़ाई करते हैं, कोई मतलब नहीं, करने दो, पीने दो दारू। हम सुबह उससे बात करेंगे और उसे ऐसा करने के लिए गर्म नहीं कर, मतलब उसे मना करेंगे, सॉरी वार्न करेंगे, ठीक है, वार्न नहीं, वार्न करेंगे कि भाई सर ऐसा मत करो यार, हम पढ़ाई करने वाले हैं और दूसरों को भी डिस्टर्ब होता है। या फिर सी नंबर, वह शराबी के परिवार के प्रमुख को रिपोर्ट करेंगे, ही विल रिपोर्ट टू द हेड ऑफ द फैमिली, सी नंबर यहाँ पे कि भाई जो हेड है इस फैमिली का, ठीक है, जो हेड है इस फैमिली का, इन्हें रिपोर्ट करेंगे कि सर ऐसा ऐसा हमें डिस्टर्ब होता है। ही विल स्टॉप स्टडिंग एंड विल गो टू द स्लीप एंड विल कंटिन्यू स्टडी इन द डे, अपनी पढ़ाई को बंद कर देगा, ये वाली बात बिल्कुल सही नहीं होती कि हम पढ़ाई बंद कर देंगे और कल से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। सो जो भी आपका राइट आंसर हो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए, सेशन कैसा लगा वो भी मुझे जरूर बताना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू शेयर इफ यू लाइक इट, बाकी कोई दिक्कत है ना कसी नहीं है। थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।